राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में 19वें एशियाई खेल के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से पहले महास्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। देश भर में स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ के अंतर्गत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उज्बेकिस्तान में आयोजित 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।